हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कैसे आप लोग स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में आप लोग दो फोटो एक साथ लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस यही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दो फोटोज़ आप लोग एक स्टोरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले से ही किया हुआ है गाइस, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरा जो फेसबुक है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर अगर दो स्टोरी एक ही दो फोटो जो है एक ही स्टोरी में लगाना है तो आप लोगों को क्रिएट स्टोरी पर क्लिक कर देना है। क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करते ही देख सकते यहाँ पर आपका फ़ोटो जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह है आपके फ़ोन में वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगे। तो शो होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी स्टोरी लगाना है दो फोटो एक साथ में उसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेट स्टोरेज और यहाँ पर फोटो कॉलेज का ऑप्शन है। सेपरेट स्टोरेज पे क्लिक करते ही गए हमारा जो फ़ोटो है वो अलग अलग करके स्टोरेज पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर दो फोटो मैंने सिलेक्ट किया है तो दो स्टोरीज यहाँ पर अलग अलग करके सेट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को दो स्टोरी एक ही दो फोटो जो है एक ही स्टोरी पर लगाना है तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो कॉलेज पर क्लिक करना है। फ़ोटो कॉलेज पे क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा दो फोटो है यहाँ पर एक साथ यहाँ पर शो हो गया है। उसके बाद जो है आप लोग फ़ोटोज़ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है जो इसका जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आपको स्क्वायर चाहिए या आप लोगों को राउंड चाहिए यहाँ से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग गाना भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक म्यूजिक का एक लोगो है, यहाँ से आप लोग गाना ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है उसको आप लोग इस पर क्लिक करके जो है इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सिंपली शेयर पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो ये दो फोटो है एक ही स्टोरी में शेयर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को शेयर करके भी दिखा देता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर दिया है और ये मेरा स्टोरी जो है वो अभी शेयर होने वाला है। तो देखते हैं गाइस दो फोटो एक ही स्टोरी में शेयर होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो स्टोरी है वो शेयर हो गया। अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो स्टोरी है यहाँ पर एक ही है लेकिन फ़ोटो यहाँ पर दो है। तो ऐसे करके जो है आप लोग दो फोटोज़ को एक ही स्टोरी में डाल सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।